नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी अर्थात 69th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि परम आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को, जो कि पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है। कंकाल के वे भाग जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें उपास्थि कहेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त साथी किसके साथ रहते हैं? तो लाइकेन आपको पता है किनके साथ रहेंगे? कवक और शैवाल के साथ रहेंगे, सहजीविता संबंध को दर्शाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह जो है सब स्टेटम के साथ एक कोण पर जो है बैठती है। अगले प्रश्नों को देखें। शरीर की प्रतिरक्षा से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार वह कौन सा है? तो यह हो जाएगा लिम्फोसाइट, जो कि शरीर की प्रतिरक्षा से जुड़ा हुआ है। मानव शरीर में मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियों के बारे में देखें, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यही गलत है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, बिल्कुल सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्नों को देखें। एक सफ़ेद घोड़े की छवि को पकड़ने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के उत्तल लेंस की सतह पर बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पत्तियाँ बनाई जाती है, तो छवि जो है किस प्रकार का रहेगा? तो कम चमक वाला घोड़ा होगा इमेज। अगले प्रश्नों को देखें। ध्वनि की तीक्ष्णता श्रेलनेस किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तीक्ष्णता तो यह हो जाएगा तरंग दैर्ध्य के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, वेवलेंथ। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त फोटोवोल्टाइक सेल हो जाएगा। बॉल बेयरिंग का उपयोग एस्थेटिक घर्षण को किसमें परिवर्तन के लिए किया जाता है? बॉल बेयरिंग का जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो एस्थेटिक घर्षण को बेलन घर्षण यानी रोलिंग फ्रैक्शन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर गोल पर गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर क्या करने में सक्षम बनाता है? तो गोलकीपर जो है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक आवेशित कम है? रेडियोधर्मी तत्व जो है तीन प्रकार के कण आवेश जो है छोड़ते हैं, उत्सर्जित करते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा धनात्मक होता है, बीटा ऋणात्मक होता है और गामा उदासीन होता है। अगले प्रश्नों को देखें। अभिकेंद्रीय बल किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो अभिकेंद्रीय बल किसके लिए हो जाएगा? शरीर को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल अर्थात फ्रैक्शनल फोर्स शामिल है? किस ऊर्जा बल में? तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में जो है घर्षण बल शामिल है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाहिनी ओर मुड़ जाती है, तो बस में बैठे यात्री क्या होंगे? दाहिनी ओर अगर मुड़ जाए तो बस में बैठे यात्री जो है बाईं ओर झुक जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक संगीत समारोह में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने और तार को उपयुक्त रूप से बजाने का प्रयास करता है, ऐसा करके वह क्या करना चाहते हैं? तो ऐसा करके जो है वह अन्य संगीत वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार तार की आवृत्ति को समायोजित कर रहा होता है। पदार्थ के किसी भी रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, बल्कि उसका आयतन निश्चित होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण क्या है? तो पदार्थ के इस रूप का उदाहरण हो जाएगा मिट्टी का तेल। अगले प्रश्नों को देखें।
कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया अर्थात प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड अर्थात एम्फोटेरिक ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण इस प्रकार के उदाहरण कौन सा हो जाएगा, Al2O3 और एक हो जाएगा ZnO। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? तो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाले देखें तो CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये सभी हैं। आंसर डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करेगा? तो अम्ल धातु जो है कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके आपको पता है CO2 गैस जो है मुक्त करते हैं। किस अम्ल को HOOCCOOH के रूप में जाना जाता है? यानी कि ये फॉर्मूला लिखा है तो किसका लिखा है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो है ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको 3 टेस्ट ट्यूब प्रदान की गई है, उनमें से एक में आसूत जल होता है और अन्य दो में क्रमशः अम्लीय और क्षारीय घोल होता है। तो इनमें से कौन जो है लाल लिटमस को नीला कर देगा? क्षार लाल को नीला कर देगा और अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगले प्रश्नों को देखें। एसिटिक एसिड की गंध किस प्रकार की होती है? तो सिरके में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सूखी HCl हाइड्रोक्लोरिक सूखी HCl गैस सूखे लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलती है? क्यों नहीं बदलती, इसका वजह है कि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं है। लिटमस केवल H3O+ आयनों की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। अगले प्रश्नों को देखें। बेजोड़ का पता लगाना है, इनमें से कौन सा जो है बेजोड़ है? देखें तो फल पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, ये सब बेजोड़ ही है। अर्थात ये सब जो है किस प्रकार की है? तो रासायनिक और भौतिक परावर्तन में ये सब रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। अगले प्रश्नों को देखें। रंध्र अर्थात अस्टोमेटा में परिवर्तन के ये जो है किस में परिवर्तन के कारण खोलते या बंद होते हैं अस्टोमेटा यानी कि रंध्र? तो ये हो जाएगा कोशिका में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण खोलते और बंद होते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में यानी कि सूर्य के प्रकाश की किस रंग के तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करती है क्लोरोफिल? तो लाल और नीले को जो है अवशोषित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? देखें इनमें से कौन सा जो है सही मेल नहीं है। तो आधार के पास शाखाओं वाला मोटा कठोर तना पेड़, यही गलत है। बाकी पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है, सत्य है। और कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, लता, ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। पेड़ों में पानी किसके कारण होने वाले चूसन खिंचाव के कारण काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचता है? पेड़ में पानी जो है काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से क्लोरोप्लास्ट का कौन सा गुण उन्हें स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है, तो यह हो जाएगा DNA एवं RNA दोनों की उपस्थिति। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और आर्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, तार्किक और आर्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखें तो तार्किक क्रम में देखें यानी कि बड़े से ऊँचे पदों में देखें तो सबसे पहले जो है क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, दो हो जाएगा, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति हो जाएगा, फिर संसद के ये फिर प्रधानमंत्री हो जाएगा, फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, फिर संसद के सदस्य, अर्थात विकल्प सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो रेल मंत्री जॉन मथाई थे और गणतंत्र भारत के वित्त मंत्री भी जॉन मथाई ही थे। पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? पंचायत समिति, तो यह हो जाएगा
ब्लॉक स्तर पर होते हैं, जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं, ग्राम स्तर पर मुखिया होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में जो है जो स्थापना किया गया था तो यह था राष्ट्रीय विस्तार सेवा। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता वाक्यांश किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितनी अवधि लगी? तो संविधान निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जिस किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, तो किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और केंद्र में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 73वें संविधान संशोधन के युग में किसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए? विकल्प में दिया गया है। तो एक तो हो जाएगा कि निर्णय लेने की शक्तियाँ, फिर उसके बाद देखें तो संपूर्ण प्रणाली हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रशासनिक शक्तियाँ हो जाएगा, यानी 1, 2, 4 अर्थात विकल्प सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से अगर देखा जाए किनका किनका उल्लेख है, कॉलेजियम पद्धति भी आप लिए, क्षेत्राधिकार मूल न्यायिक क्षेत्र न्यायाधिकार भी है। आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के की न्यूनतम आयु कितने वर्ष? चुनाव लड़ने के लिए पंचायती राज में जो है 21 वर्ष, मतदान के लिए किसी में भी 18 वर्ष ही निर्धारित है, नगर पालिका चुनाव के चुनाव में भी 21 वर्ष ही निर्धारित किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल कौन कौन होते हैं? तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में अगर देखा जाए कौन कौन शामिल होते हैं, तो संसद राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते हैं, और सदस्य सीधे नागरिकों द्वारा चुने गए भी होते हैं सदस्यों को, और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है, ये भी होते हैं। तो ये सभी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर पेश की गई थी? तो ये जो है कृष्ण स्वामी समिति की सिफारिश पर पेश की गई थी 1972 में। अगले प्रश्नों को देखें। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा जो अपनाया गया नीतिगत उपाय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS भी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी है, बफर स्टॉक का रख रखाव भी है। तो ये आंसर हो जाएगा एक से अधिक। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये हो जाएगा SVS राघवन समिति। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था? मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित तो ये हो जाएगा 8वां पंचवर्षीय योजना था, 1992 से 1997 के बीच में हुआ था इसका कार्यकाल। तो राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वित्त मंत्री ने किस बजट में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया था किस बजट में? तो ये हो जाएगा केंद्रीय बजट 1991-92 में। निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे? पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य देखें तो विकास भी हैं, उसके बाद देखें आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य, ये सभी हैं। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक हैं। अगले प्रश्नों को देखें। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए सर्वेक्षण कौन सी संस्था करती है? गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जो है ये हो जाएगा NSSO जो है संस्था करती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देखें कौन सा कथन सत्य है। कस्तूर भाई लाल भाई, AD श्रॉफ
और देसर दलाल और जगजीवन राम 1944 की बॉम्बे प्लान बॉम्बे योजना तैयार करने में शामिल थे। तो शामिल देखा जाए तो इस उद्योगपतियों में 8 उद्योगपति थे, जीआरडी टाटा, जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लालबाला, एसडी श्राप और अर्धेश्वर दलाल और जॉन मथाइन मिलकर काम किए थे। तो ये कथन जो है, तो ये तो बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने किया था, तो जगजीवन राम तो इसमें शामिल नहीं थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखें, जवाहरलाल नेहरू ने 1944 की बॉम्बे प्लान को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया था, ये जो है केवल दूसरा कथन ही सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन से कथन सही है? दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखें तो एक हो जाएगा कि इसने विकास के एक पैटर्न को बढ़ावा दिया जो भारत में एक समाजवादी समाज की स्थापना की ओर ले जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा कि यह मुख्य रूप से लघु उद्योग पर ध्यान, ये गलत हो जाएगा। इस योजना के तहत मूल उद्देश्य आय और धन की अधिक समानता प्राप्त करना था, न कि निजी लाभ। तो ये भी सही है, 1 और 3 दोनों कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर ऋण राजस्व का स्रोत है? सरकार के लिए गैर ऋण राजस्व का स्रोत जो है, तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष कर संग्रह, और उसके बाद जो है ऋणों की वसूली। तो 1 और 2 हो जाएगा, बिक्री सरकारी प्रतिभूति की बिक्री से नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा CWG। और वही दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो कि 2001 से 2011 के दौरान जो है बिहार के निम्नलिखित जिलों का जो है सही क्रम, दशकीय वृद्धि में सबसे अधिक जो है यानी कि कम से अधिक की ओर जाना है, तो सिवान, फिर उससे बड़ा हो जाएगा किशनगंज, फिर उससे बड़ा हो जाएगा यानी सर्वाधिक जो है मधेपुरा है। अगले प्रश्नों को देखें, फल्गु बिहार में बहने वाली एक पवित्र नदी है जो निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनी है? फल्गु नदी किस नदी के संगम से बनी हुई है? तो ये हो जाएगा मोहना और लिजान रिवर, मोहना और लीलाजन। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, 1940 में पटना महिला कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस सोसाइटी द्वारा की गई थी? तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कर्मेल के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना था? तो एक तो नमक कर था, उसके अलावा भी विरोध किया था किस कर को लेकर? तो ये हो जाएगा मालवा, हाथी और डेवलपमेंट, ये सभी के लिए किया गया था। तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने इस्तीफा जो दे दिया था, तो इसका मुख्य कारण था राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? चंपारण सत्याग्रह में, तो ये हो जाएगा बतक मियाँ बचाया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन में स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था 1927 में। अगले प्रश्नों को देखें, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में रहने के बाद उस जिले में आया था, उसकी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति थी जिससे वह ग्रामीण दर्शकों को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता का जिक्र है वह नेता कौन है? तो यह हो जाएगा बाबा रामचंद्र हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें,
निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर कब्जा करने की अनुमति दी गई तो वह बिहार को आत्मसमर्पण कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो यह जो है सुझाव किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने दिया था, तो शेर खान के द्वारा दिया गया था प्रस्ताव कि यदि उसे बंगाल पर कब्जा करने की अनुमति दी गई तो वह बिहार को आत्मसमर्पण कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। निम्नलिखित में से किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन का आयोजन किया था? टाइगर लीजन का आयोजन किस देश में किया गया था? जर्मनी में किया गया था। भारतीय सेना या स्वतंत्र भारत सेना का एक सैन्य इकाई थी। अगले प्रश्नों को देखें। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। निम्नलिखित में से बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो 1936-37 की बात है, तो 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे सर जेम्स डेविड शिप्टन। और स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल स्वतंत्र में तो यह हो जाएगा जयराम दौलत राम, जयराम दास। महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनेसेंस के लेखक कौन हैं? तो यह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? तो हो जाएगा पादरी की हवेली, जो कि पटना में है, पादरी की हवेली। अगले प्रश्नों को देखें। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो गंगा के दक्षिणी वाले क्षेत्र को कहा जाता था मगध साम्राज्य, मगध। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों के बारे में सही ढंग से नहीं बताया गया है? देखें, हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर, ये तो सत्य है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोधी, सत्य है। पानीपत की दूसरी लड़ाई और अकबर हेमू, ये भी सत्य हैं। और ये जो है 1800, ये जो है बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा एक से, यानी इनमें से कोई भी जो है गलत नहीं है। निम्नलिखित प्रसिद्ध शासकों में से किसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के निकट नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया? नगरीय उपनगरीय बस्ती की स्थापना, ये प्रसिद्ध शासक था कृष्णदेव राय। अगले प्रश्नों को देखें। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा के मंदिर की मूर्तियों किस कला के अवशेष, ये जो है महत्वपूर्ण अवशेष हैं, किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये हो जाएगा गुप्त कला के, यानी गुप्त काल के। अगले प्रश्नों को देखें। तबागत ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, तो ये प्रसिद्ध ग्रंथ जो है किताबें लिखी गई थी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में रचित संस्कृत में शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसके द्वारा की गई थी? कृत्रिम जलाशय की मरम्मत जो है रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। बंगाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध बंगाल में जो है देखा जाए विकल्प को, तो ये हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के दौरान एक विनियम के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी? शास्त्रीय संगीत पर जो है सर्वाधिक पुस्तकें औरंगजेब के समय में लिखी गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो पवनार से किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, पवनार महाराष्ट्र से प्रथम सत्याग्रही ये जो है जवाहरलाल नेहरू, ये प्रथम विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। कांग्रेस ने 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर अब आलोचनात्मक रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू जैकर और चिंतामणि से नाता टूट गया, जिन्होंने किस पार्टी का गठन किया? तो इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का गठन किया था। अगले प्रश्नों को देखें।
निम्नलिखित में से किसके लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में भारत आया था, तीन सदस्य था, पेट्रिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये भेजा गया था, ये जो है इस विकल्प जो है सी हो जाएगा, ओनली दो, यानी सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना। अगले प्रश्नों को देखें। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को चित्रित करने के लिए स्थापित दो सीमा आयोग का नेतृत्व किसने किया था? दो सीमा आयोग का नेतृत्व जो है सिरिल रेडक्लिप के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर सिरिल रेडक्लिप के द्वारा किया गया था। बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। और रैयतबाड़ी मुनरो रीड के द्वारा, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार कहाँ पर जो है यानी किसके दौरान संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था? स्वदेशी और बहिष्कार, तो सबसे पहले जो है हो जाएगा कहाँ में, तो ये बंगाल विभाजन के समय ही जो है 1906 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। 1906 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कि कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, ट्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन चलाया गया था, एक समानांतर आंदोलन, और उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखें, 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये बिल्कुल गलत है। 1921 में गिरफ्तार नहीं किया गया था। उसके बाद देखें, चौरा चौरी घटना कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस से हट गए थे, बिल्कुल सही। गांधी जी ने अपना प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद द्वारा निकाली गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाली गई पत्रिका, तो ये हो जाएगा अल हिलाल। अगले प्रश्नों को देखें। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन से राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने में किस प्रकार सहायता मिली? राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश शासन के तहत लोगों को संघर्ष करने और जीवन की दयनीय स्थितियों को बदलने का आग्रह करके, ये सही है। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में समर्थ बताने वाली ब्रिटिश छवि का खंडन करके, ये भी सही है। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए आग्रह किया, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी, जो कि विकल्प सी में जो है मौजूद हैं। शहरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? देखें, आंदोलन में केवल ऊंची जाति और अमीरों ने हिस्सा लिया, ये गलत है। फिर उसके बाद देखें, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी परिषदों का चुनाव बहिष्कार किया गया, ये भी गलत है। तो एक और दो जो है सिर्फ गलत है, और तीसरा सही है कि हज़ारों छात्रों ने सरकार नियंत्रित स्कूल छोड़ दिए, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश सरकार के भारत से कब तक जो है हटने का निर्णय की घोषणा की गई थी? ये क्लेमेंट एटली के द्वारा घोषणा किया गया था कि जून 48 तक जो है हम भारत को छोड़ देंगे। वॉरेन हेस्टिंग सुधारों के अनुसार निम्नलिखित में से किस अदालत को आपराधिक मामलों में अपील अदालत के रूप में स्थापित किया गया था? अपील अदालत के रूप में स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा सदर निजामत अदालत। निम्नलिखित में से किस महिला राष्ट्रवादी नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अगर देखा जाए इनमें से कौन कौन कार्य किया,
तो नेली सेनगुप्त, सरोजनी नायडू, ये जो है एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू, ये तीनों ने काम किया। तो 1, 2, 3 यानी विकल्प ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। सदियों से अपने नीले पानी और चमचमाती मछलियों के लिए प्रसिद्ध इस्तांबुल के तटों को गोद लेता है। यह काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। यहाँ समुद्र स्रोत का सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया है, जिसे समुद्री सलेस्मा भी कहा जाता है। यह एक मोटी चिपचिपी भूरे रंग की चादर है, जो मृत और जीवित कार्बनिक पदार्थों से बनती है। भूरे कप की तरह समुद्र की सतह पर तैरने वाले सलेस्म की वृद्धि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रही है। उपरोक्त विवरण किस जलराशि के बारे में कही जा रही है? तो यह कथन जो है किस जल राशि के बारे में, तो यह हो जाएगा द सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर के बारे में कहा जा रहा है। आर्कटिक क्षेत्र एवं अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? आर्कटिक और अंटार्कटिका, तो यह हो जाएगा कि एक उत्तरी ध्रुव में है आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुव में है अंटार्कटिका। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा गया है? पेंजिया से जो दक्षिणी भाग टूटा हुआ है तो उसे गोंडवाना लैंड कहा गया है। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखें क्षोभ मंडल के बारे में, तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये सत्य है। वह वायुमंडल की बाहरी नहीं सबके भीतरी परत है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर के नाम से जो है पोर्ट ऑफ हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह को जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा 1973 में शुरू किया गया विश्व का बहुप्रचारित वन्यजीव है? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1973 ईस्वी में ही हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। वायुमंडल मुख्य रूप से देश द्वारा गर्म होता है, तो वायुमंडल मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा जो है गर्म होता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयला भंडार से समृद्ध है? कोयला भंडार से समृद्ध नदी घाटी, तो यहाँ देखा जाए तो दामोदर भी है और महानदी बेसिन भी है, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक है। भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्र की ओर तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक फैली हुई है? क्षेत्रीय सीमा, तो ये जो है 12 नॉटिकल मील फैली हुई है, जो कि 21.9 किलोमीटर के आसपास होता है। भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है? म्यांमार के साथ भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी का जो है सीमा साझा करता है। सूती कपड़ा उद्योग का कौन सा क्षेत्र सूती कपड़े के संदर्भ में अधिकतम उत्पादन देता है? तो अधिकतम उत्पादन देता है वह कौन सा क्षेत्र? तो यह हो जाएगा बिजली करघे। अगले प्रश्नों को देखें। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का पहला प्रमुख संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो बंगलुरु में स्थापित किया गया था। पहली अखबारी कागज निर्माण मिल कहाँ स्थापित की गई थी? अखबारी कागज मिल पहली जो है नेपाल नगर में स्थापित किया गया था। एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति सबसे अधिक किस कारक पर निर्भर करती है? एल्युमिनियम उद्योग जो है ये हो जाएगा सस्ती पनबिजली की उपलब्धता पर जो है सबसे अधिक निर्भर करती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कागज निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है? तो कागज निर्माण उद्योग के लिए दिए गए विकल्पों में जो है कौन कौन सा, तो ये हो जाएगा 1 यानी यमुनानगर, फिर दूसरा गुवाहाटी, और फिर हो जाएगा ये जो है बालारपुर। तो 1, 2, 4 यानी कि विकल्प बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। किस देश के प्रधानमंत्री रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण के मुख्य अतिथि के रूप में थे? तो ये हो जाएगा इटली, इटली के थे। अगले प्रश्नों को देखें।
धरोई वेटलैंड जहां हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण आयोजित किया गया किस राज्य में है? धरोई वेटलैंड तो यह हो जाएगा गुजरात राज्य में है। किस देश ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF विधेयक 2023 को मंजूरी दी है? तो ये जो है इंडिया है, यानी कि भारत। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में समाचारों में देखे गए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार निसार उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विचार करना है। देखें तो इसमें जो है यह एक निम्न पृथ्वी कक्षा LEO वेधशाला है जो संपूर्ण विश्व का मानचित्र करेगी। बिल्कुल सही। यह एक दोहरी आवृत्ति L बैंड और S बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजिंग रडार है, रडार उपग्रह है, तो ये भी सही है। एक और दो दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भाषिणी मिशन का उद्देश्य क्या है? भाषिणी मिशन का उद्देश्य हो जाएगा स्थानीय भाषा में अनुवाद करने में सहायता करना। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती में शामिल है? तो दोस्ती में जो है कौन कौन, तो हो जाएगा भारत श्रीलंका और मालदीव। भारत श्रीलंका मालदीव। किस संस्था ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की संकल्पना की? लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की संकल्पना जो है RBI के द्वारा किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास सूचकांक HDI के संबंध में कौन सा कथन सही है? दिए गए विकल्पों में देखें तो मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। बिल्कुल सही है। HDI का निर्माण 1990 में किया गया था। वह पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और उनके द्वारा किया गया था, महबूल उल हक के द्वारा, जो कि जॉन सेन के द्वारा नहीं। ये गलत है और ये तीसरा विकल्प भी गलत है। केवल एक ही सत्य है। किस देश का पादप माइकोलॉजिस्टिक विश्व का पहला व्यक्ति है जिसे पादप कवक रोग हुआ है? तो ये हो जाएगा भारत। अगले प्रश्नों को देखें। IMF की विस्तारित निधि सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? तो यूक्रेन के लिए मंजूरी दी गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो ये उड़ीसा राज्य में भी जो है एक भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में कॉफ़ी उत्पादन के संबंध में विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखें तो इसकी खेती कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के ऊंचे इलाकों में की जाती है। बिल्कुल सही है। तो एक विकल्प ही केवल सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में मिष्टी शब्द किसके संबंध में खबरों में रहा है? तो मिष्टी है, यह मैंग्रोव संरक्षण और संरक्षण के लिए शुरू किया गया एक मिशन है, मिष्टी मिशन मैंग्रोव संरक्षण के लिए। कोयले के संदर्भ में विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखें दुनिया में पुनर्प्राप्त करने योग्य कोयला भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका है। बिल्कुल सही है। चीन दुनिया का शीर्ष कोयला उत्पादक देश है, भंडारण अमेरिका है, ये भी सही है। और ये जो है दक्षिण अफ्रीका विश्व का शीर्ष कोयला निर्यातक देश है, ये गलत हो जाएगा, कोयला निर्यातक देश। तो एक और दो कथन जो है बिल्कुल सही है। हाल ही में समाचारों में देखी गई अगस्त्यरकूडम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा केरला में स्थित है। चेन्नई को अक्सर भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, इस संदर्भ में डेट्रॉइट निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध और चेन्नई के समान है? डेट्रॉइट तो ये हो जाएगा ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्नों को देखें। अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला साइट फंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साइट फंड तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से संबंधित है। भारत श्री निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत श्री जो है तो ये हो जाएगा शिलालेखों का डिजिटलीकरण से संबंधित है। भारत श्री सीमा सड़क संगठन BRO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखें इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ना कि 62 में, तो भारत चीन युद्ध के समय। ये जो है गलत है।
अटल सुरंग जो मनाली को पूरे वर्ष लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, BORO के द्वारा बनाई गई यह कथन सत्य है। केवल दूसरा विकल्प ही सत्य है। हाल ही में समाचारों में देखी गई तससे मक्खियों के संदर्भ में विचार करना है। देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। संक्रमित तससे मक्खी का काटना इंसानों के लिए घातक हो सकता है, बिल्कुल सही। तससे मक्खियां केवल अफ्रीका में पाई जाती, ये भी सत्य हैं। तो दोनों कथन सत्य हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा महाविहार में मन्नत स्तूपों की खोज की। इस संदर्भ में नालंदा महाविहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखें कौन सा सत्य है। नालंदा ये जो है ह्वेनसोंग और इटसिंग, ह्वेनसोंग और इटसिंग दोनों इसका दौरा किया था, बिल्कुल सही। इसे गुप्त और पाल दोनों राजवंशों का संरक्षण दिया गया था, सही बात है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है, ये भी सही है। तो तीनों कथन सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना है, ये भी सही है। तो एक और दोनों कथन सत्य हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई खबरों में था, तो फसाई निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। रक्षा के क्षेत्र के संदर्भ में बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, विचार करना है। इस यह सतह से हवा में मार करने वाली पोर्टेबल मिसाइल है, बिल्कुल सही है। इजराइल से खरीदा जा रहा है, यह कथन बिल्कुलतः गलत है। यह स्वदेशी निर्मित है, तो इसलिए केवल एक विकल्प सत्य है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो आलिया भट्ट को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। अगले प्रश्नों को देखें। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस राज्य के सीमांत गांव माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, तो यह है उत्तराखंड के माना गांव। अगले प्रश्न को देखें। मक्का लाई थैडी मेयर नामक पहल किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये जो है तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार से स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से जो है बिहार से सम्मानित किया गया था बबीता गुप्ता को। नीति आयोग के द्वारा जनवरी 2023 की आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान हासिल किया है, तो यह जिला है बिहार का खगड़िया, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किस भाषा की फीचर फिल्म लॉट्स ब्लूम्स चर्चा में है, ये किस भाषा की जो है फिल्म है, तो ये हो जाएगा मैथिली भाषा की। बिहार के किस जिले में स्थित 205 कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन कोबरा की टीम को भारत की सर्वश्रेष्ठ बटालियन का पुरस्कार मिला है, यह किस राज्य का यह कहां का है, तो यह है गया का बटालियन। स्थिर यानी कि 2011-12 मूल्यों पर 2021-22 में बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना था, तो ये हो जाएगा 4,28,065 करोड़ रुपया। प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम जो 2022-23 में शुरू हुआ, किसानों को दलहन और तिलहन के बीज उत्पादन के लिए प्रति क्विंटल कितना प्रोत्साहन देता है, दलहन और तिलहन के लिए प्रोत्साहन राशियां जो है ये हो जाएगा 5,000 रुपया। निम्नलिखित में से कौन सा दलहन उत्पादन के मामले में शीर्ष 3 अग्रणी जिलों में नहीं है, दलहन उत्पादन में देखा जाए, पटना है, नालंदा है, औरंगाबाद है, जहानाबाद नहीं है शीर्ष 3 में। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में मछली उत्पादन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अग्रणी है, तो बिहार में मछली उत्पादन में कौन सा जिला, तो ये हो जाएगा मधुबनी जिला। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।